छोटा स्कूल एंड एलकेजी किड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। वैसे हम हर रोज इंटरेस्टिंग बात करते हैं, लेकिन अब जो है आज हम एक बिल्कुल इतनी ब्यूटीफुल बातें करने वाले हैं ना, इतना ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होगा जो मैं तो आपसे कर ही रही हूँ, यानी शिल्पा मैम तो आपसे कर ही रही हैं। इसके अलावा डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप उनसे ये इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन रखेंगे। इट्स अबाउट गार्डन। एक पिक्चर आप प्लीज़ लीजिए इसकी, गार्डन की। मैंने फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस बॉय इज़ हियर, सो मैनी फ्लावर्स आर हियर एंड ट्रीज आर देयर, सो मैनी ट्रीज आर देयर, फ्लावर्स आर देयर, दिस बॉय इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ हैप्पी। यू कैन सी बटरफ्लाई ऑल्सो, सो लाइक दिस, येस, मैनी ट्रीज, फ्लावर्स, बटरफ्लाई एंड ही इज़ सो हैप्पी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई है, बिकॉज वी आर डूइंग टूडे गार्डन पिक्चर रीडिंग जो है, हम लोग गार्डन के रिगार्डिंग हम लोग कर रहे हैं आज। सो पिक्चर टॉकिंग गार्डन, दिस इज़ आर टॉपिक एल के जी चिल्ड्रन। सो टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द पिक्चर। जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि एक प्रिंट आउट आप निकालेंगे पिक्चर का, जिसमें गार्डन होगा, गार्डन की पिक्चर की प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, जस्ट टू टॉक टू दैम। और ये इंटरेक्टिव और बहुत ही खूबसूरत एक इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन होगी आपकी और आपके बेबीज़ के साथ में, जो हमारे बेबीज़ भी हैं। सो पिक्चर कार्ड के साथ में आप लोग ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट, आई कैन सी, पेरेंट्स जो हैं, पहला स्टेप मैं बता रही हूँ कि पेरेंट्स किस तरीके से अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे बेबीज़ के साथ में। पेरेंट, आई कैन सी सो मैनी फ्लावर्स, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया, इन द गार्डन, कैन यू टेल मी विच कलर ऑफ फ्लावर इज दिस। आप बेबी से पूछेंगे थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ। देखो मेरे मैंने तो इसमें गार्डन में बहुत सारे कलर के फ्लावर्स देखे हैं, और जब भी मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं बहुत हमेशा जो है गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देखती हूँ। क्या आपको भी दिखते हैं? कौन कौन से कलर के फ्लावर्स दिखते हैं आपको बेबीज? तो इस तरीके से एक एक इंटरेस्ट बनाते हुए, उनका एक क्यूरियोसिटी बनाते हुए उनको, इस तरीके से हम लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। वो करें पॉइंट करें, थोड़ा सा पॉइंट करके भी आप दिखा सकते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्लावर्स, मतलब पॉइंट करके आप लोग दिखा सकते हैं कलर्स के बारे में। ये वाला क्वेश्चन पुटअप आप लोग जब करेंगे, सो बेबीज़ का जो आंसर होगा, आई कैन सी रेड येलो फ्लावर्स, येस आई कैन सी रेड एंड येलो फ्लावर, ओ माई गॉड दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और मुझे दिख भी रहे हैं। आई कैन सी येलो और रेड फ्लावर्स, मुझे येलो और रेड कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पिक्चर में हैं। सो डू नॉट से नो टू द चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स एंड लेट हिम या हर यूज़ हिज हर इमेजिनेशन स्किल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड पुट क्वेश्चंस टू यू एज वेल। उनकी देखिए, हर बेबीज़ की, हर एक बच्चे की, हर बेबी की एक अपना इमेजिनेशन होती है, एक अपनी इमेजिनेटिव पावर होती है, एक अपना इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है ऑफ कोर्स। तो अगर वो फ्लावर का कलर बाई चांस कुछ इधर उधर भी बोलते हैं या कुछ और कलर बताते हैं, तो उनको नो नहीं बोलना है, और उनकी इमेजिनेशन स्किल्स को हमने और मतलब अपने साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ाना है, इमेजिनेशन पावर को, कि वो और क्या क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड इस तरीके से क्वेश्चंस को जो हैं वो पुटअप हम करते जाएंगे, वेदर इट्स मतलब इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, हम इस तरीके से उनको इंक्रीज करते जाएंगे उनकी क्यूरियोसिटी को। तो और बहुत इंटरेक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट के साथ में इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। येस येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इतने सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर, वाओ। सो अब देखिए, इस तरीके के आप लोग को क्वेश्चंस जो हैं पूछने हैं, आस्क देम वेरियस क्वेश्चंस, उनसे इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अब आप जो है आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, व्हाट यू कैन सी, और क्या देख सकते हो आप, विच प्लेस इज दिस। दूसरा क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे कि ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस कौन सा है, हम यहाँ पर कौन से वाले प्लेस पर हम गए हुए हैं। तो दे विल आंसर बैक यू,
ये गार्डन है मम्मा, ये गार्डन है पापा, जहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं, जहाँ आप जाते हो मेरे को लेके। इस तरीके से वो इंटरेक्टिव होता जाएगा इन दिस वे। सो एट वॉट टाइम डू यू गो इन द गार्डन? यूजुअली मैं एक मतलब जनरल बात कर रही हूँ कि शाम को ही गार्डन का टाइम होता है अक्सर पेरेंट्स का, जब वो लोग अपने बेबीज को लेके जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, अच्छा व्हाट टाइम यू गो टू द गार्डन? कि जब पापा ऑफिस से आ जाते हैं तब आपको लेके जाते हैं ना, या मम्मा जब फ्री होती हैं तब आपको लेके जाती हैं ना गार्डन में? तो वो इस तरीके से आंसर आपको करेंगे कि यूजुअली वी गो इन द इवनिंग, या जैसे भी मतलब जो जिसका रूटीन है उस हिसाब से। सो डू यू ऑल गो टू द गार्डन? अच्छा आप सब लोग गार्डन में जाते हैं? लाइक दिस, मतलब ये बहुत एक इस तरीके का कॉन्वर्सेशन, एक बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में ये होगा, और क्वेश्चंस उनको इस तरीके से इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे उनके कि ये बहुत ही उनका मज़ा आने वाला है उनको इस तरीके से। व्हाट डू वी डू इन द गार्डन? अच्छा हम गार्डन में क्या करते हैं? गार्डन में हम जाते हैं पर हम गार्डन में करते क्या हैं? अब आप उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे, हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन द गार्डन? हम गार्डन में क्या करते हैं? व्हाई द डस्टबिन इज देयर इन द गार्डन? और आपने जो है गार्डन में डस्टबिन भी देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बिग बिग डस्टबिन्स रखे रहते हैं वहाँ पे गार्डन में। हम क्यों रखते हैं, क्या ज़रूरत है हमें डस्टबिन रखने की गार्डन में? क्यों भाई गार्डन में डस्टबिन क्यों होना चाहिए? विच कलर फ्लावर्स आर देयर? इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप करेंगे। तो डस्टबिन की बात करते हुए आप उनको बिल्कुल वो आंसर करेंगे कि अगर हम डस्टबिन वहाँ नहीं रखेंगे तो गार्डन में बहुत सारी चीज़ें जो मतलब जो लोग आते हैं, कुछ लोग ईटेबल थिंग्स भी लेकर आते हैं समटाइम्स, तो वो गार्डन को उस तरीके से गंदा कर देंगे और इधर उधर चीज़ें फैला के गंदा कर देंगे। इसलिए देर इज़ अ ऑलवेज अ डस्टबिन इन द गार्डन। इसलिए हम डस्टबिन को रखते हैं ताकि हमारा गार्डन ब्यूटिफुल रहे, बहुत सुंदर रहे हमेशा। सो अगेन विच कलर फ्लावर्स आर देयर? आप दोबारा से ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे, अच्छा फ्लावर्स बताओ कौन कौन है, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे कलर के फ्लावर्स होते हैं हमेशा। सो ऑल्सो डिस्कस ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सीन इन द पिक्चर। जो भी पिक्चर कार्ड में आप देख रहे हैं उसमें ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कस करें बेबीज के साथ में, इन अ क्यूरियोसिटी वे, इन अ क्यूरियस वे, कि उनसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो वो आंसर करते रहेंगे, तो उस तरीके से उनका एक क्यूरियोसिटी लेवल बरकरार रहेगा और बहुत अच्छा उनको वो आंसर कर पाएंगे। नाउ टेल द चाइल्ड वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स एल्स गार्डन विल नॉट लुक ब्यूटिफुल। अब आप बेबीज़ को बताएंगे, बेबीज़ अगर हम फ्लावर्स को प्लक करेंगे, अगर हम यस फ्लावर्स हमें बहुत सुंदर लगते हैं, ऑल द फ्लावर्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल और हमारा मन करता है उनको तोड़ने का, लेकिन अगर हम सारे आप सोचो इमेजिन करो कि अगर गार्डन में कोई भी फ्लावर नहीं होगा, सारे के सारे फ्लावर्स अगर क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं तो सब सब बेबीज़ अगर तोड़ लेंगे तो गार्डन कैसा लगेगा? गार्डन गार्डन ही नहीं लगेगा, क्योंकि गार्डन जो होता है उसकी ब्यूटी ही फ्लावर्स से होती है। सो वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स अदरवाइज गार्डन अच्छा नहीं लगेगा, विल नॉट लुक ब्यूटिफुल। ओके सो वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। जैसे हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है, मेक दिस एक्टिविटी वेरी इंटरेक्टिव, पुट अप मोर क्वेश्चंस। डस्टबिन को जो है डस्टबिन में चीज़ें हमें डालनी चाहिए। अगर हम डस्टबिन में जो वेस्ट है अगर हम डस्टबिन में नहीं थ्रो करेंगे तो गार्डन की ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि हमने अभी अभी पहले पॉइंट में डिस्कस किया भी है इस चीज़ को। सो इस तरीके से जितना इंटरेक्टिव इस कॉन्वर्सेशन को आप बनाएंगे उतना ही आप लोग भी एंजॉय करेंगे अपने बेबीज़ के साथ में, एंड ऑफ कोर्स वो तो आपके साथ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो आपके हर क्वेश्चन का विद क्यूरियोसिटी वो लोग आंसर कर रहे हैं आपको, और वो करेंगे भी। तो इस कॉन्वर्सेशन को इसी तरीके से इंटरेक्टिव बनाते हुए, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ ये कॉन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल माय डियर पेरेंट्स। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स एंजॉय दिस पिक्चर एक्टिविटी ऑफ गार्डन।